नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण, राधे कर्ण एक ऐसा नाम है जिनकी कहानियां आज भी, जिनके पराक्रम की कहानियां आज भी हिंदुस्तान के घरों घरों में सुनाई जाती हैं। आज भी ये सवाल उठता है कि अगर अंगराज कर्ण को इतना श्राप नहीं मिला होता, अगर वासुदेव कृष्ण ने छल नहीं किया होता, तो क्या अर्जुन अंगराज कर्ण को मार पाते। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं सफर पर चलने के लिए, जिसमें मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि मरने से पहले अंगराज कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ वरदान मांगे थे। तीन वरदान मांगे थे, वो वरदान कौन से थे, शुरू करते हैं। सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, युद्ध का 17वां दिन अंगराज कर्ण को अर्जुन का अंजलि का अस्त्र लग चुका था। अंगराज कर्ण प्राण त्यागने ही वाले थे, कभी भी हो सकता था कि अंगराज कर्ण के प्राण पखेरु उड़ जाते। भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण के पास जाते हैं, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अंगराज कर्ण अपने वचन से बंधे हुए थे, मगर भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि अगर पांचों पांडवों को मिला दो ना, तो जितनी क्वालिटी पांचों के पांचों पांडव में नहीं थी, उतनी अकेले कर्ण में थी। तो भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुना है कि तुम एक महान दानवीर हो, तुम्हारे दर पर कोई भी आता है ना, खाली हाथ नहीं जाता है, मुझे कुछ दान दोगे, मैं तुम्हारे पास आया हूं। अंगराज कर्ण कहते हैं कि हे केशव, हे प्रभु, मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है दान देने को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके पास एक दांत है, वो सोने का है, आप मुझे वो दे दीजिए। तो अंगराज कर्ण क्या करते हैं, उनके बगल में एक पत्थर पड़ा रहता है युद्ध भूमि में, अंगराज कर्ण उस पत्थर को उठाते हैं, अपने दांत को तोड़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। आप समझ सकते हैं, अंजलि का अस्त्र लगा हुआ है, फिर भी दानवीरता खत्म नहीं की अपनी, पत्थर उठाया, पत्थर से अपने आप को चोट पहुंचाया, दांत तोड़ना कोई मजाक है, दांत तोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अंगराज, ये तो झूठा है, ये जो आपने मुझे दांत दिया है ये तो झूठा है, क्या आप मुझे झूठा दान देंगे। अंगराज कर्ण करते हैं, बगल में ही उनका विजय धनुष पड़ा रहता है, सरसंधान करते हैं, जमीन पर मारते हैं, जमीन से गंगा की धारा बहने लगती है, उस दांत को धोते हैं और भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण करुणा से भर जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि बाण लगा पड़ा है, दांत तोड़ा, सरसंधान किया और फिर भगवान को अर्पण किया, भगवान श्री कृष्ण करुणा से भर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अंगराज, तुमसे बड़ा दानवीर इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कभी कोई होगा, जब भी दानवीरता की बात की जाएगी तुम हमेशा अव्वल रहोगे, तुमने आज जो मेरे लिए किया है वो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, बदले में तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तो अंगराज कर्ण भगवान श्री कृष्ण से तीन वरदान मांगते हैं। पहला वरदान भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप जब अगला जन्म लेंगे तो आप सूतों का उद्धार करेंगे, आप नीची जाति के लोगों का उद्धार करेंगे, क्योंकि अंगराज कर्ण को हमेशा अपमानित किया गया यह कहकर कि तुम सूत पुत्र हो, उनके सामर्थ्य को कभी किसी ने इज्जत नहीं दी कि तुम सूत पुत्र हो, बल्कि वो सूत पुत्र थे नहीं। तो वो कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, हे माधव, आप अगला जन्म जब भी लीजिएगा, आप अगले जन्म में सूतों का उद्धार करेंगे। फिर अपना दूसरा वरदान मांगते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं माधव, अगले जन्म में मैं जहां पैदा हूं, मैं जिस राज्य में पैदा हूं, उसमें आप भी पैदा हो, उसी राज्य में आप मेरे साथ पैदा हो। और तीसरा वरदान भगवान श्री कृष्ण से मांगते हैं कर्ण,
कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहां पर कोई पाप ना हुआ हो। अब शुरू के दो वरदान सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा, मगर तीसरा वरदान जब मांगा अंगराज कर्ण ने तो भगवान श्री कृष्ण भी अचंभित हो गए कि ऐसी कोई जगह तो है ही नहीं धरती में जहां पाप ना हुआ हो। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पर कोई पाप नहीं हुआ और वो था भगवान श्री कृष्ण का कमल रूपी हाथ जो स्क्रीन पर आपके नजर आ रहा है। इन्हीं हाथों में अंगराज कर्ण का दाह संस्कार किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो और कहा जाता है कि अंगराज कर्ण को बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ था। एक स्वर्ग लोक होता है, एक नरक लोक होता है, एक बैकुंठ धाम होता है। अंगराज कर्ण को बैकुंठ धाम प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये वो तीन वरदान थे, ये भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा थी जो उन्होंने कर्ण से ली थी उनके मरते वक्त। और कर्ण उसमें भी सफल हुए, उसमें विजयी हुए और कर्ण को बैकुंठ धाम मिला। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।